एक अलग ही सुकून है यहाँ की वादियों में, चिड़ियों की चहचहाट। तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ खुद को, लेकिन आप लोगों को अगर यहाँ आने का मौका मिलता है तो आप जरूर आएं। और अगर इस समय आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय। जिसकी यादों से पीछा छुड़ाने आज सब कुछ पीछे छोड़ आया हूँ, उसकी यादों को खुद ही दिल के किसी कोने में समेट साथ लाया हूँ। क्यों इतना मुश्किल है किसी को भुला देना, आखिर क्यों? वाओ रिक्की यार, तूने बहुत सही किया ये ट्रिप प्लान करके। या रियली वंडरफुल प्लेस। तुझे टाइम नहीं दे पा रहा था ना, इसीलिए प्लान किया। हाँ तभी तो अपने इन दोस्तों को भी साथ में ले आए। यार तुझे अब यहाँ आके भी लड़ाई करनी है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ना सब कुछ नॉर्मल हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका तो रोज क्या है, हम देख के आते इधर क्या क्या है। ओ मेरा बच्चा, ज़्यादा ना क्यूट मत बनो, मैं सब जानती हूँ ये घूम के आने का मतलब। और इस ट्रिप पे ना मुझसे उम्मीद मत रखना, मुझे पीस चाहिए बस, मैं यहाँ इंजॉय करने आई हूँ, तुम दूर रहना मुझसे। यार एक तो तुम लोग ना ये अपनी बंदियाँ साथ मत लाया करो, या मुझे मत बुलाया करो, सब लोग बुरा लगता है यार मुझे भी। तो तू क्यों सिंगल है, तू भी पटा ले कोई? वाह बहनचो, तू तो ऐसे बोल रही जैसे कि मेरे हाथ में होगा और मैं पटा नहीं रही। भाई नहीं पटती यार। अबे तो लौंडो की तरह क्यों रहती है, थोड़ा लड़की बनना, नजाकतें दिखा, अदाएं दिखा। यार भाई क्यों होते हो, तू क्यों टेंशन ले रहा है? अबे चलना, तेरे पे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अबे हम दोनों के बीच में इंटरेस्ट वाली क्या बात आ गई? अबे मेरा मतलब घूम के आते, वादियों का खेल लेते। हाँ यार कुछ बचा भी नहीं है। इन सब के लिए बहुत टाइम मिलेगा, फिलहाल सामान उठाते और अंदर चलते। चलो चलो। ओके गाइस, तुम लोग फ्रेश फ्रेश हो, मेरे को अर्जेंट कॉल करनी है अभी है, ठीक है? सॉरी। कुछ बात करनी है। बोलो। इम्पोर्टेंट है। हाँ तो सुन रहा हूँ ना। यार तुम क्या गेम में घुसे रहते हो हर टाइम? यार तुझे मेरे फोन से क्या प्रॉब्लम है? ओफो यार। अच्छा रुको यार, रख दिया फोन। यार तुम कभी सीरियस क्यों नहीं होते? यार हूँ तो तेरे लिए। अच्छा मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, कभी कभी तो लगता है तुम हम दोनों को लेकर सीरियस ही नहीं हो, एफर्ट्स ही नहीं लगाना चाहते तुम हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। बस बहुत हुआ यार। क्या बहुत हुआ? हाँ आज तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैंने सब कुछ किया है तुम्हें खुश रखने के लिए, और तुम्हें प्यार करता था क्योंकि मुझे लगता था तुम समझती हो मुझे और समझो कि मैं क्या चाहता हूँ, लेकिन गलत फहमी थी मेरी। और मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाए। मत करो, कुछ ठीक नहीं होगा। लेकिन आई लव यू। मत करो मुझे प्यार। ऐसा मत बोलो। हमारे बीच में ना कुछ ठीक है और ना ही कुछ ठीक होगा। तैनू जुदा होण दी जल्दी है। कहाँ जा रही हो? उनसे मत जाओ। जे होण यारी।
टुटगी ता जुड़नी नहीं, तू एक बारी होर सोच ले। बेबी बेबी क्या कर रहे हो यहाँ? मैं कब से वेट कर रहा हूँ अंदर, और ये कौन है? वो एक्चुअली पैर में चोट लगी थी तो इन्होंने हेल्प करी है थोड़ी सी। चलो अंदर चलो। अब इसको क्या हो गया? और क्या होगा, दोनों का चल रहा होगा रोमांस। अब तुम्हारे जैसा थोड़ी ना, मेरे अरमानों के पीस पीस करके तुम्हें पीस चाहिए। बाबू गुस्सा नहीं करते। और इसको क्या हो गया? और क्या, गिर गई महारानी। यार कुछ नहीं, माइनर सी मोच है, शाम तक ठीक हो जाएगा। होप सो। तो तुम करो अपना बाबू सुना, जब फ्री हो जाओ तो बुला लेना। मैं क्या कह रहा था, इसको आराम करने दो और हम थोड़ा। यार रिया तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। कुछ पर्सनल है, दो मिनट। बड़े बेशरम हो यार तुम, सुना नहीं उसने कहा बाहर जाओ? अब हमसे भी सीक्रेट रखे जाएंगे। वाह। यार तूने इनको गलत इनवाइट कर दिया, अपना मजे से आते खा पी कर सेट रहता है अभी तक। यार अब मुझे क्या पता था ऐसे होने वाला है, मुझे लगा टीना के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा, सब कुछ ट्रैक पे आ जाएगा। यार वो यहाँ है। कौन? राघव। वो राघव वो यहाँ क्या कर रहा है? यार मुझे नहीं पता, मैं क्या करूँ, अगर रिक्की को पता चलेगा तो सीन हो जाना है यार। नहीं पता चलेगा यार, बस तो उससे दूर रहना। कैसे दूर रहूं? मुझसे नहीं हो पाएगा यार, एक पल के लिए वो सामने पे आया था और वो सारी यादें, वो सारे फ्लैशबैक सब मेरी आंखों के सामने आ गए। कैसे करूं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। पागल हो गई? तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? और अगर ऐसा ही था तो तुझे पहले उसे छोड़ना ही नीचे था, और अब इन सब में रिक्की की क्या गलती है? आई नो यार, बट क्या बट, रिक्की तुझे इतना प्यार करता है, तुम दोनों के बीच सब ठीक हो जाए इसके लिए वो इतने एफर्ट्स लगा रहा है, और तू है कि तू चाहती क्या है? तन्हा है तुझ बिन, रात मेरी बिन मेरे दिल से। हाय, बैठो इधर। थैंक यू। ओ भाई बोलता भी है, तो तब से हूँ हाँ क्यों लगा हुआ है? कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें जबरदस्ती बात करने की आदत होती है, उन जैसा नहीं हूँ। भाई की बेइज्जती बेंचो, मतलब मैं तो सुट्टा पिला रही हूँ और तुम तो मुझसे ही रूडली बात कर रहे है। सुट्टा बर्बाद। सॉरी यार, वो थोड़ा मूड ठीक नहीं है। क्या हो गया, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई क्या? यार गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुए तो 3 साल हो गए। तो प्रॉब्लम क्या है, इतने अच्छे लोकेशन में आके भी फसला? प्रॉब्लम ये है कि उसे गए 3 साल हो गए और मैं आज भी उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। साला हर सुबह सोचता हूँ कि आज उसे भूल जाऊँगा, लेकिन आज वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ब्रो ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात, आज वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, वो भी किसी और के साथ। मैं साला 3 साल से एक एक पल उसके लिए तड़प रहा हूँ, और वो किसी और के साथ। बड़ा आसानी से मूव ऑन कर गई। ब्रो मैटर तो सीरियस लग रहा है, और यार मैं समझ भी सकती हूँ कि अकेला होना कितना बुरा लगता है। जिन सारी चूतियों के साथ मैं यहाँ आई हूँ, वो साले अब मुझे छोड़ के अपने बंदियों के साथ हैं। सब ऐसे हैं। एक काम कर, मेरे साथ चल, तुझे भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। चल ना यार।
ये रे क्या बात है भाई, तूने भी बंदा ढूंढ लिया? हाँ, हम दोनों मिलकर एक दूसरे का अकेलापन बांट रहे हैं। भाई अकेलेपन ही बांटना, कोई छोड़ नहीं। तो फनी। ओ भाई देर हो गई, बंदी वेट कर रही है, मैं जा रहा हूँ। अबे बैठना, मना ही करेगी वो, तुझे भी शौक होगा कटवाने का। और अगर हाँ बोल दिया तो? क्या हो गया भाई, बड़ा गुमसुम लग रहा है। मैं क्या करता, तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड भी आई थी, फिर क्यों चुपचाप बैठा के ना? हाँ ये तो है, बस वही छोटी मोटी नाराजगी। ऐसी है यार, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। तुझे कैसे पता? सॉरी यार, वो अपनी वाली की याद आ गई थी, वो भी छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, फिर उसे घंटों मनाओ और बाद में सुनो कि तुम मुझे मनाते नहीं। बड़ा स्टिल लगा। प्यार तो मैं भी बहुत करता हूँ यार उससे, लेकिन उस तक पहुँचा नहीं पाता, टाइम नहीं मिल पाता यार। वीकेंड के 2 दिन तो मिलते हैं मुझे, सोचता हूँ उसको घुमाऊँगा फिराऊँगा, उसको स्पेशल फील करवाऊँ, लेकिन वो नहीं समझती यार। वो 2 दिन भी उसको मनाने में निकल जाते हैं। कुत्तों वाली ज़िंदगी हो गई है यार, समझ नहीं आता क्या करूँ। और मैं अपनी वाली को कुछ ज़्यादा ही टाइम देता था तो वेला समझ के छोड़ दी। लड़कियों को समझना इतना भी आसान नहीं है मेरे भाई। हेलो बेबी, मैं आ गया। आजा मेरा बच्चा। आया, आ गया। यार ये निब्बा निब्बी वाला गेम ना मेरे सामने मत खेला करो, मैं जा रही हूँ। पता है बेबी, राघव आया था। कौन राघव? टीना का एक्स बॉयफ्रेंड। और मुझे तो लगता है इसको उस पर दोबारा से प्यार आने लगा, और शायद अभी रिक्की को भी छोड़ दे। ओ शिट, ये क्या हो गया मुझसे? अबे तू क्यों परेशान हो रही है, तो कौन से कभी कुछ सही करती है? अच्छा बोल क्या हुआ? दो आसी साथ बिठा दिए ना, यही गलती कर दी। मैं कब से सुन रही हूँ मेरी वाली साला, बड़ी मुश्किल से तो मुझे राघव मिला था, साला उसको भी लेके तुम चले गए। अबे क्या वसर फैला रही है तुमने? आ गया फिर कटवा के। अबे इतनी बकचोदी क्यों करती है बे? एक एडवाइस दूं, तू ब्रेकअप कर ले, खुश रहेगा। अबे तू ज्यादा ज्ञान ना खोद, और सुनो तुम दोनों से कुछ बात करनी है अकेले में। चल ठीक है, तुम करो अपनी बात, मिलता हूँ बाद में। चल बोल आशिक, क्या हो गया? यार सुन, यार बात ऐसी है कि। बोलना। यार जो राघव है ना, वो टीना का एक्स है। तो क्या हुआ? एक्स है ना, अब वो सिर्फ मेरी है और वो मुझसे प्यार करती है। यार मुझे लग रहा कहीं वो तुझे छोड़ ना दे। अब ऐसे कैसे कर लेगी, वो मुझसे प्यार करती है और मैं उससे, और ऐसे छोटी मोटी बात प्यार एक्स के पास थोड़ी ना चली जाएगी। यार कोई नहीं, यार तू दूर रहे, दूर से बात कर। और क्या है, हाँ जब मर जाए दिल लगाया और जब मर जाए दिल तोड़ दिया, चल क्या रहा है ये? टीना तुमसे कुछ बात करनी है। तो यहाँ क्या कर रहा है? टीना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रुक मैं भी मिक्की लोगों को बुला दूँ। तो रुक यार। हाँ बोलो। अकेले में बात करनी कुछ। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? क्या बात करनी है? तुम्हें पता है मुझे क्या बात करनी है? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार, मैं अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो क्या हुआ, छोड़ दो उसे जैसे मुझे छोड़ दिया था उस एक पल में। राघव। क्या राघव? हाँ 3 साल, एक बार भी पलट के देखा कहाँ हूँ किस हाल में हूँ? एक बार भी पूछा, एक बार भी बात करने की कोशिश की तुमने? राघव शांत हो जाओ यार। शांत हो जाओ कैसे? 3 साल, एक एक पल एक एक दिन तुम्हारे बिन कैसे जिया है मैं जानता हूँ। खुद से ही दूर भाग रहा हूँ ताकि तुमसे और तुम्हारी यादों से दूर रह पाऊँ। तुम्हें उस दिन नहीं जाना चाहिए था, या आज यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज तुम यहाँ हो, और हर वो जख्म
हर वो जख्म जो उस दिन दे गई थी आज कुरेद के रख दिए। लेकिन तुम कहाँ समझोगे, तुम तो कर गई ना मूव ऑन और बना लिया नया बॉयफ्रेंड। ऐसा नहीं है यार, मैंने कोशिश की थी वापस आने की, पर अब जब तुमसे मिली हूँ तो सब कुछ वहीं पे आ गया जहाँ से शुरू हुआ था। ऐसा लग रहा तुम कभी कहीं गए नहीं थे। लेकिन लेकिन क्या हाँ? लेकिन क्या? ओफो, छोड़ो यार उसे, छोड़ो। तुम बीच में मत पड़ो। मैं बीच में ना पड़ू, गर्लफ्रेंड हो तुम मेरी। मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। पता था मुझे, पता था कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना कोई और नहीं कर सकता। करता है और वो करता है, इसीलिए यहाँ से बिना बोले चला गया। पता है मुझे, तुम मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो ना। देखो अब मुझे बुरा लग रहा है, प्लीज प्लीज डोंट टच मी। तुम्हें समझ नहीं आता है, ब्रेकअप हो चुका है हमारा और मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ। लेकिन चुप हो जाओ, अब एक शब्द भी नहीं बोला तुमने, और अब मेरे पीछे आने की कोशिश भी मत करना प्लीज। पल भर ठहर जाओ, दिल ये समझ जाए कैसे तुम्हें रोका करूं। मेरी तरफ आता हर हम। क्या हुआ? अब क्यों आई हो? जाओ उसी के पास। सच्ची चली जाऊं? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मुझे तो जाने को कहा था ना, अब संभालो तुम्हारा ही मैटर है। हाँ, क्योंकि मैं कोई सीन नहीं चाहती थी। यार बॉयफ्रेंड हो तुम्हारा, तुम्हारा हर मैटर मेरा मैटर है। अरे यार हो, पर ओह तो हो गया पैचअप, मैं आउट। टेंशन मत लो, ठीक हूँ मैं, जाओ तुम, तुम्हारी खुशी शायद उसी में। पागल हो तुम, उसके साथ ही रहना होता तो तुम्हारे साथ क्यों आती, उसी के साथ नहीं रहती? बहुत बुरी होती। सॉरी बाबा।